सुबह ही अभी 5:15 हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, क्योंकि आज जहाँ पे हमारा ऑफिस है, मतलब जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे वो हो रहा है दंगा। तो सेक्शन 144 लग गई है, काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं, तो आज हमारी जल्दी छुट्टी हो गई है। फिलहाल हमारा एरिया सेफ एंड सिक्योर है। अगर ऑटो नहीं मिला तो पैदल जाना पड़ेगा पूरा करीबन 4-5 किलोमीटर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर डे। और आज 2 तारीख है, मतलब आज 2 अगस्त है और अभी मॉर्निंग के 9:17 हो रहे हैं। और आज ऑफिस सिर्फ मैं ही आया हूँ, क्योंकि गुड़गांव में पता ही है, आपने न्यूज़ वगैरह भी देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, मतलब हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था तो उस पर पत्थरबाजी हुई थी, इस वजह से यहाँ पे सेक्शन 144 लग गया है। और जिस एरिया में मदरवुड हॉस्पिटल है सेक्टर 57 में, इधर भी वायलेंस हुआ है, एक मंदिर में आग वगैरह लगा दी गई थी, तो थोड़ा सा इधर का भी माहौल मतलब टाइट है। सो मेरे साथ का जो लड़का आता है गुड़गांव से, मतलब गुड़गांव में ही है, वो भी थोड़ा सा दूर है, 10-11 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उसके एरिया में भी तोड़फोड़ हुई थी रात में 11 बजे, तो वो आज नहीं आया है। बाकी कल भी हमारी जल्दी छुट्टी हो गई थी 5:15 के लगभग, तो हम चले गए थे, और आज आते टाइम भी रोड लगभग लगभग खाली थी। और कल सारे ही ऑफिस की छुट्टी हो गई थी, जितने भी गुड़गांव में ऑफिस हैं सबकी 4:30-5 बजे इस तरीके से। तो भाई आज भी लगभग काफ़ी ऑफिसों की छुट्टी है, और हमारे एरिया में मतलब इतना नहीं है तो हम आ गए हैं ऑफिस। बट जिधर ये वायलेंस वगैरह हुआ है वहाँ पे सेक्शन 144 लागू है, तो वहाँ पे 5 से ज़्यादा लोग रह नहीं सकते हैं, और गाड़ियाँ भी बिल्कुल ना के बराबर चल रही हैं आज, तो ऑफिस में सिर्फ मैं ही रहूँगा। और ऊपर से गुड़गांव में एक बीमारी और चल रही है आई फ्लू के नाम से, तो मेरी एक आँख हल्की सी लाल हो रही है, और पता नहीं कुछ दिन से फड़फड़ा रही है, ज़्यादातर यही फड़फड़ाती है, इधर वाली ठीक है, इधर वाली ज़्यादा कर रही है। और मुझे ऑफिस में आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, ओह कैफेटेरिया वाले चाय दे गए, चाय से ज़्यादा तो प्यास लग रही है मुझे, तो उससे पहले पानी पीऊँगा। भाई ये हालात हैं गुड़गांव के फ़िलहाल के लिए, मुँह मेवात में मतलब यहाँ से पास में ही है, आई थिंक होगा 8-9 किलोमीटर मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, बाकी सोना रोड जो है यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, ये सोना रोड है, रोड के इस साइड फ्लाईओवर है। तो भाई फ़िलहाल के लिए 2 दिन से तो यही हालात हैं, आज 2 तारीख है और ये 31 तारीख से हो रहा है यहाँ पर, और कुछ ऑफिसों की तो छुट्टी कर दी गई है, स्कूल की भी छुट्टी कर दी गई है, सेक्टर 57 में जहाँ पे ये मदरवुड हॉस्पिटल है यहाँ पे भी आसपास ही दंगा हुआ था, बाकी सोना रोड साइड जो फ्लाईओवर गया है उधर हुआ है, उससे आगे मुँह मेवात में हुआ है। और जो मेरे साथ का लड़का है वो आता है गुड़गांव साइड से, मतलब बस स्टैंड साइड से, तो उसके इलाके में भी रात में 10-11 बजे लगभग दंगा हुआ था, तो इस वजह से वो भी नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर भी सब कुछ तोड़ा ताड़ी हुई है, और जो गाड़ियां हैं वो भी नहीं चल रही हैं, ऑटो वाले ने भी ऑटो एक भी नहीं चल रहा, तो इसलिए आज वो छुट्टी पे है। मेरा तो खैर यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो फ़िलहाल के लिए मैं आ गया था, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वहाँ पे फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, और पुलिस वगैरह भी हर मोड़ पर है फ़िलहाल के लिए। तो ये हालात हैं, और कसम से करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। भाई एक बात और, कल इवनिंग में 5 बजे से पहले ही जो यहाँ पे पेशेंट विज़िट करने वाले थे उनकी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो हमने सारे पेशेंट को कॉल बैक किया, तो उनकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कर दी, वरना अगर वो विज़िट नहीं कर सकते थे आज भी तो फिर उनकी कैंसिल करनी पड़ी, और कैंसिल करने के बाद रीशेड्यूल करने के बाद फिर 5 बजे के बाद मैं भी निकल गया था अपने घर के लिए। तो फ़िलहाल के लिए ऑटो तो मिल गया था, बट रोड जो थी लगभग लगभग खाली थी सारी, आज भी जब मैं आया मॉर्निंग में तो रोड लगभग लगभग खाली थी, वही कुछ ही गाड़ियाँ चल रही थी। और हाँ मुँह में बात का जो ना वहाँ का नेट भी बंद कर दिया गया है इंटरनेट, और जो भी पेशेंट कॉल कर रहा है पहले तो वही यही कंफर्म कर रहा है कि यहाँ की सिचुएशन सही है कि नहीं है, मतलब ज़्यादा वॉलेंस वगैरह तो नहीं है, विज़िट कर सकते हैं या ना कहीं कर सकते हैं, तो हम बता दे रहे हैं कि फ़िलहाल तो विज़िट कर सकते हैं,
भाई अभी 3:38 हो रहे हैं और अभी नितिन सर आए थे। पहले तो उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो मैंने उसको बता दिया वो घर है, और पूछ रहे थे कि ठीक ठाक है कि नहीं है। और मुझसे भी बोला है कि अभी थोड़ी देर में पैक कर लो और उदय सर को बोल के निकल जाओ। तो थोड़ा बाहर का आज माहौल लग रहा है, ख़राब है, वायलेंस वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं भी निकलता ही हूँ। अभी उदय सर से बात कर लेता हूँ, फिर ही निकलूँगा आराम से। इतने अपना बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ। मेरे पास है ही क्या? वैसे भी आज लंच वगैरह लाया नहीं था मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना घटिया बना था, तो मैं सिर्फ सैंडविच और चने ले आया था। और एक चीज़ और, मैं अपने फॉर्मल शूज़ जो है मैं यहीं रख के चला जाता हूँ, और जो मेरे कैजुअल शूज़ हैं वो पहन के निकल जाता हूँ यहाँ से। तो सही है, यहीं पर ठीक रहेंगे, ये घर पर ले जाके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये पहन लिए मैंने अपने कैजुअल शूज़, वो रहे मेरे फॉर्मल, इनको पैक करके यहीं रख दूंगा मैं, काम ख़त्म। सो भाई मैं निकल गया हूँ बाहर, और फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं है, सब नॉर्मल ही है इधर की साइड, तो ठीक ही है इधर। तो भाई अभी 6:22 हो रहे हैं और मैं रूम पे पहुँच गया हूँ, और रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं मिला, और मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक है जिस रूट से मैं आता जाता हूँ। और बस शर्ट निकाल के बैठा ही हूँ मैं अभी, जस्ट मेरा फेस देखो, थोड़ा सा पसीना पसीना हो रहा होगा। और ये शेक लाया हूँ मैं, इसको पीता हूँ, और 7 बजे मैं जिम निकल जाऊँगा, तो वही 1 से 1.5 घंटा जिम करूँगा, शोल्डर मारूँगा और काम ख़त्म। तो भाई जो भी नया है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाते रहता हूँ। हाँ मतलब गुड़गांव में जो भी जॉब होती है उससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और डालता रहूँगा आगे भी, ताकि तुम्हें जॉब मिलती रहे। बस।